हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे मलाई सोया चंक्स। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम सोयाबीन छोटे साइज का, बड़ा साइज छोटा साइज दोनों आता है, लेकिन अब मैंने छोटा साइज लिया है। ऑनियन प्याज 3 बड़े साइज का प्याज, मलाई, धनिया पाउडर, कश्मीरी लंका पाउडर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा प्याज को मैंने फ्राई करके रखा है, गरम मसाला। सभी को पता है जो सोयाबीन में कितने सारे प्रोटीन, आयरन, फाइबर होता है, वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन घर में किसी को ये चीज़ को सोयाबीन पसंद है तो किसी को पसंद नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन हम जो रेसिपी मैंने आज आपको बताऊंगी वो थोड़ी सी अलग टाइप से, इसी तरह आपको बनाकर बच्चों को देंगे तो वो ज़रूर मज़े से खाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से मैं बनाऊंगी, तो आपको ये वीडियो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पानी को मैंने ऑलरेडी यहाँ बॉईल कर लिया है। इसमें हाफ चम्मच नमक डालेंगे। जो सोया चंक्स मैंने लिया है सोयाबीन, उसे डालेंगे। सात से आठ मिनट, मैक्सिमम दस मिनट तक हम बॉईल करेंगे। जो थोड़ा सा फूल जाएंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं जो सोयाबीन हमारा फूल गया, सॉफ्ट भी हुआ है। अभी हम उसे निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अभी हम एक बाउल से उसे निकाल लेंगे, उसे दो तीन बार अच्छी तरह जो नॉर्मल वाटर है उसे धोएंगे। सोयाबीन को हमेशा 3-4 बार अच्छी तरह पानी में धोना चाहिए, इसे क्योंकि उसमें जो स्मेल है वो नहीं रहेगा। स्मेल रहेगा तो आपका जो रेसिपी या सब्जी वो अच्छा नहीं बनेगा। अभी हम उसमें जो नॉर्मल वाटर है उसे डालेंगे। पहले हम अच्छी तरह धोएंगे, थोड़ा सा इसे आपको नीचे डालना पड़ेगा, जिसमें उसके अंदर जो पानी वो चला जाएगा। सॉफ्ट हुआ है, तो सोयाबीन जो अंडा दूध मीट से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो ये तो हमारा जो बॉडी के लिए ज़रूरी है। स्पेशली जो बच्चे को तो ज़रूर रोज देना चाहिए। तो ये जो मैंने जो ये रेसिपी आज देखा रही हूँ, आप ज़रूर घर में ट्राई करिए, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा ये जो रेसिपी। थोड़ा सा अलग टाइप से मैं बनाऊँगी।
ऐसे दो तीन बार हम उसे अच्छी तरह धोएंगे। वो जो पानी है उसको हम फेंक देंगे। ऐसे ही दो तीन बार हम धोएंगे। इससे क्या होगा ना, सोयाबीन के अंदर जो एक स्मेल होता है वो नहीं रहेगा। कभी कभी हम सोयाबीन बना लेते हैं लेकिन जब हम खाते हैं तो सोयाबीन का जो टेस्ट जो स्मेल वो खाने के समय ही आ जाता है, तो हमारा जो सब्ज़ी इतना अच्छा नहीं लगता। आप इसी तरह एक बार ज़रूर बनाइए तो पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। इसको वेज मीट भी बोलते हैं। सारे सोयाबीन को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, अभी हम उसको मैरिनेट करेंगे। जैसे चिकन मटन को मैरिनेट करते हैं, आज वो सोयाबीन को हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश दही 2 चम्मच, 200 ग्राम मैंने सोया चंक्स लिया है, उसके लिए मैंने बड़े चम्मच से 2 चम्मच दही, फ्रेश दही आपको लेना होगा। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अनियन जो मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा है, सिर्फ ऑयल में आपको फ्राई करना है। गरम मसाला 1/2 चम्मच, कश्मीरी मिर्च, कलर के लिए आप चाहे तो तीखा वाला मिर्च भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए लिया है। सारी चीज़ को हम अच्छी तरह मिलाएंगे। जैसे चिकन मटन हम मैरिनेट करते हैं कुक करने से पहले, इसी तरह हम सोयाबीन का आज हमने मैरिनेट किया है। मैरिनेट करने के बाद 5 से 6 मिनट उसे ढक्कन देकर रखेंगे रेस्ट करने के लिए। जैसे सारी जो मसाले हमने दिया है वो जो सोयाबीन के अंदर आ जाए। मीट मसाला हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून, इसमें उसका जो स्वाद बहुत अच्छी तरह आता है। मलाई सोयाबीन है तो मलाई तो ज़रूर डालेंगे। घर में मलाई है तो दे सकते हैं, नहीं तो क्रीम है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। दूध में जो ऊपर जो मलाई होता है उसे ही आप बीटर में बीट कर देंगे, नहीं तो ग्राइंडर में भी आप इसे एक प्यूरी बना सकते हैं। तो मैंने लिए 3 से 4 चम्मच मलाई डाला है। अच्छी तरह मिलाएंगे।
इसके ऊपर हम एक ढक्कन देकर 5 से 7 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो कढ़ाई को गर्म कर लिया है, 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, छोटी इलायची 3 से 4 ले सकते हैं, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, अभी प्याज, जो प्याज हमने ये 3 बड़े साइज का प्याज है, प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, जैसे उसका जो कलर थोड़ा सा गोल्डन आ जाए। प्याज हमारा हो रहा है गोल्डन कलर, अभी अदरक का पेस्ट 6 चम्मच में मैंने लिया है, क्योंकि पहले हम मैरिनेट जब कर रहे थे तो ऑलरेडी हमने सोयाबीन में मिक्स कर रहे थे। लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच 6 चम्मच का, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर, ये तीखा वाला मिर्च 1/2 चम्मच, सभी को अच्छी तरह मिलाएंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर, गरम मसाला 6 चम्मच, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, सभी को अच्छी तरह मिलाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे, क्योंकि हो सकता है जो मसाले और जल जाए।
काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, अभी हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे जैसे हमारा जो टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ढक्कन हमने हटा देंगे, अभी रेडी जो टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया, सारे मसाले भी अच्छी तरह पक गए। अभी हम जो सोयाबीन को मैरिनेट करके रखा है उसे डालेंगे। ये रेसिपी 20 से 25 मिनट लगेगा आपको बनाने के लिए, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप ज़रूर घर में उसको ट्राई करिए, अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिखिए। मैरिनेट सोयाबीन को उसके ऊपर डालेंगे, सारी चीज़ को अच्छी तरह मिलाएंगे। और इसी पानी मैंने डाला है तो जैसे वो अच्छी तरह मिल जाए। आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, बॉयल आलू डालना, आप जो आलू डालेंगे तो बॉयल करके डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, पहले जब हमने सोयाबीन को बॉईल किया था तो उस टाइम पे भी हम नमक डाले थे, तो इसी हिसाब को आपको नमक डालना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी पानी डालेंगे, बस इतना ही। तो 2 मिनट के लिए हम लोग कवर कर देंगे जैसे सारी मसाले सोयाबीन के अंदर मिस जाए। तो उसका कलर देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत कलर आया है, अच्छी खुशबू निकल रहा है। उसका ग्रेवी को देखिए, ये ज़्यादा पानी नहीं रहेगा और गाढ़ा होगा, उसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठा सभी के साथ वो अच्छा लगता है। अभी हम इस पेड़ पर डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी क्रश करके डालेंगे। अच्छी तरह मिलाएंगे, आप धनिया पत्ता को भी डाल सकते हैं, लेकिन कस्तूरी मेथी में उसका जो स्वाद और टेस्ट अच्छा आता है। उसके अब हम जो क्रीम डालेंगे, मलाई हमने रखा था वही, तो आप देख सकते हैं उसका जो टेक्सचर कलर। उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो अच्छी तरह उसको मिलाएंगे। तो हमारा जो मलाई सोया सॉस ऑलरेडी बन गया, कितने कम समय में बना है आपने देखा, सिंपल एंड इजी प्रोसेस है लेकिन अनकॉमन ये रेसिपी, ज़रूर आप घर में उसको बनाइए,
उसका टेस्ट इतना अच्छा है जो आप बार बार को उसको बनाएंगे तो फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करिए वो वीडियो, क्योंकि वो भी बना सकेंगे। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। अभी लास्ट में हम देसी घी एक चम्मच डालेंगे, आप एक से दो चम्मच भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो उसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से वो जो मलाई सोयाबीन और टेस्ट उसका बहुत अच्छा होता है। अभी एक मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, उसके बाद एक बाउल में हम निकालेंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, फिर एक नए रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।